जय हिंद दोस्तों। टाटा स्टील लिमिटेड और श्याम मेटालिक्स, इन दो स्टॉक के ऊपर हम चार्ट पैटर्न्स पे स्टडी करने वाले हैं। एंड पिछले दिनों जिन स्टॉक्स के ऊपर स्टडी की थी उसका अपडेट आपके सामने रखूंगा। और अपडेट ये है, पहले उन स्टॉक्स का नाम लूंगा जहाँ पे बढ़िया करेक्शन हो गया है, इन्वेस्टमेंट करना है या फिर ट्रेडिंग करनी है तो अच्छी पोजिशन आप बना सकते हैं। एंड दो स्टॉक्स के नाम है, दोनों ही स्टॉक्स ए लेटर से शुरू होती हैं। एंड सबसे पहला स्टॉक है एक्सिस बैंक एंड दूसरा है एशियन पेंट्स। नेक्स्ट उस स्टॉक का नाम लूंगा जहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है एंड एक सेशन पहले ही इंटरेस्टिंगली हमने उस पर स्टडी की है। स्टॉक का नाम है मन्नापुरम फाइनेंस। ऑल्सो नेक्स्ट लिस्ट वो है जहाँ पे टारगेट्स हिट हो गए हैं। पहले दो स्टॉक का नाम दूंगा जहाँ पे दोनों टारगेट हिट हो गए हैं। पहला स्टॉक का नाम है भेल और दूसरा है SRF। एंड तीसरा स्टॉक जहाँ पे पहला टारगेट हिट हो गया है वो है MTAR टेक्नोलॉजीज। सो आपने लेवल्स को नोट किया होगा तो जो अपडेट मैंने आपके सामने पेश किया है वो अपडेट को समझने में आपको होगी आसानी। तो चलिए अब फ्रेश स्टडी को शुरू करते हैं टाटा स्टील लिमिटेड के ऊपर। पिछली बार हमने स्टडी की थी स्टॉक पर अराउंड 13 अगस्त को, ठीक है 13 अगस्त के आसपास हमने स्टडी की थी। एंड समझ में आ रहा था 1458 का एक रेजिस्टेंस था उसको निकालेगा तो 1530-1600 की रेंज में स्टॉक जाएगा। एंड इंटरेस्टिंगली नेक्स्ट सेशन यानी कि 16 अगस्त, 14 और 15 को हॉलीडे से मार्केट बंद था, 16 अगस्त के सेशन में एग्जैक्टली एक हाई लगाया 1534 रुपये का। एंड वहाँ से स्टॉक लगातार अभी तो है फिलहाल बिकवाली देखने मिल रही है। सो आपसे भी एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, हो सके उतना यू नो टेक्निकल्स को समझने की कोशिश कीजिए, लाइंस ड्रॉ कीजिए, चार्ट पैटर्न्स ड्रॉ कीजिए, उससे होगा क्या आपको लेवल्स निकालने में होगी आसानी। तो यहाँ पे फ्रेश स्टडी को हम कंटिन्यू करेंगे तो अभी चार्ट को जो है थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ तो अभी हमें देखने क्या मिल रहा है, देखने मिल रहा है। देखो ये यहाँ पे बढ़िया गिरावट हुई, एक लो लगा दिया था 1310 का एंड वहाँ से एक नए सफर की शुरुआत की। एंड यहाँ पे देखिए असेंडिंग ट्राइंगल में स्टॉक काम कर रहा था, देखिए असेंडिंग ट्राइंगल में स्टॉक काम कर रहा था एंड स्टॉक का हो गया ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन होने के बाद स्टॉक ने एक नया लो लगाया इन द रेंज ऑफ 1250, जी हाँ 1250। एंड इंटरेस्टिंगली जो रेंज इन्वेस्टमेंट के लिए जो सभी को कही गई थी दैट वाज 1370-1270, स्टॉक अभी उसी रेंज के आसपास काम कर रहा है। सो प्रेजेंट लेवल्स पे अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है तो डरने घबराने की कोई भी बात नहीं है, फंडामेंटली बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न्स आपको देखने मिलेंगे। सो यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकडाउन हो गया एंड फिर से यहाँ पे अभी स्टॉक जो है असेंडिंग ट्रायंगल की जो पैटर्न है उसमें काम करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। देखो थोड़ा और जूम करके दिखा देता हूँ, क्लियरली देखने मिल रहा है हमें। अब जो रेंज सामने निकल के आ रही है उसको हमें नोट करना है और रेंज है ये, लेवल यहाँ पे लिख देता हूँ। अब नई तेजी कब बनने वाली है, इस रेंज की जो हाईएस्ट क्लोजिंग है उसके आसपास स्टॉक काम कर रहा है, वहाँ से स्टॉक अभी सिर्फ तकरीबन अगर हम देखें 17 रुपये दूर काम कर रहा है। और वो लेवल क्या है बता दूँ, और वो लेवल है ये 1318.7, 1318.7। एंड वो क्लोजिंग है 23 सितंबर की, ये एक रेजिस्टेंस का रोल प्ले करने वाला है। एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस में बता दूँ स्टॉप लॉस का लेवल क्या है, स्टॉप लॉस का लेवल जो रखना है वो है ये, इट इज़ 1235। एंड ये स्टॉप लॉस और जो ऊपर की तरफ की जो रेंज मैंने बताई है दोनों चीज़ ये किसके लिए है, ये रेंज को आप समझ लो जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं एक दिन से लेकर 2 दिन या फिर मैक्सिमम 4-5 दिन के लिए पोजिशन को होल्ड करते हैं। आपको रेंज को समझ लीजिए 1318 और 1235, मतलब जब जब 1318 के आसपास स्टॉक जाएगा आपको बिकवाली देखने मिलेगी, थोड़ी सी रुकावट देखने मिलने वाली है। एंड नीचे की तरफ 1235 के आसपास जब स्टॉक आएगा तब आपको थोड़ी सी खरीदारी देखने मिलने वाली है। और सो अगर आपको लॉन्ग जाना है तो 1235-40 के आसपास बना सकते हैं। प्रेजेंटली स्टॉक रेंज के ऊपरी हिस्से के आसपास है तो थोड़ा सावधान रह के काम कीजिएगा, ठीक है। सो ये हो गई पोजिशनल ट्रेडर्स की बात। अब आने वाले दिनों में 1318.7 इसके ऊपर बंद होना शुरू हो जाता है, क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट मिलना शुरू हो जाता है तो 1318.7 इसको क्लियर करते ही आने वाले 1 से 1.5 महीने में जिस रेंज में स्टॉक जा सकता है वो है 1380 और 1450, 1380-1450 इस रेंज में स्टॉक ऊपर की तरफ फिर से जाता हुआ दिख सकता है, उस रेंज को टेस्ट करता हुआ दिख सकता है। ये दो टारगेट्स आप मान सकते हो, ये एक रेंज भी आप मान सकते हो। अब नीचे की तरफ अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है, मैं लेवल्स अपडेट करने से पहले कर दूं, ये जो लेवल है 1370-1270 इस रेंज में भी अगर किसी ने निवेश किया है तो डरने घबराने की कोई भी बात नहीं है, ये वीडियो में मैंने दूसरी बार अभी कह दिया है। ऑल्सो अब जो नई रेंज निकल के आ रहे हैं, नए लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो मैं आपको बता दूँ, इन्वेस्टमेंट जिनको करना है इन लेवल्स को ध्यान में रखिए। अब जो रेंज है वो है 1220 एंड नीचे की तरफ और थोड़ा रेंज जो खिसक के नीचे आ गई है वो है 1050। यस, क्योंकि स्टॉक में रेंज शिफ्ट हुई है नीचे की तरफ तो सारे लेवल जो है शिफ्ट हो गए हैं नीचे की तरफ। सो 1220-1050 राउंड फिगर में मानना है तो 1200 या 1050 आप मान लीजिए इस रेंज में स्टॉक मिलता है तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड इन्वेस्टमेंट का नज़रिया कम से कम रखना है 3 महीने का, ठीक है, मिनिमम 3 मंथ्स होल्ड करोगे उसी को हम इन्वेस्टमेंट मानेंगे।
अभी हम दूसरे स्टॉक के ऊपर जाएंगे जल्दी से, श्याम मेटालिक्स। उसके पहले अपडेट, और अपडेट यह है ये, अगर आप डीमैट कॉम ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने का प्लान कर रहे हैं तो आप अपना अकाउंट 5paisa.com के साथ ओपन कर सकते हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात, अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे आपका अकाउंट ओपन हो गया, यानी कि KYC कंप्लीट हो गया, अकाउंट ओपनिंग के सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गए, 5paisa.com की तरफ से आपके अकाउंट में 250 rupees क्रेडिट किए जाएंगे एंड उन पैसों से आप आपकी पसंद के शेयर खरीद सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, पहले महीने के लिए जो ब्रोकरेज चार्जेस आपको पे करने हैं वो है 0 rupees पर ऑर्डर, और पहले महीने के बाद आपको पे करने हैं 20 rupees पर ऑर्डर। ये पूरा ऑफर 5paisa.com की तरफ से है। ऑफर से रिलेटेड ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो 5paisa.com वेबसाइट विजिट कीजिए, एंड अकाउंट ओपन करने का मन बना लिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली अकाउंट ओपन कर सकते हैं, एंड वो हमारा रेफरल लिंक भी है। फ्रेंड्स, अभी हम श्याम मेटालिक्स के स्टॉक के ऊपर स्टडी करने वाले हैं, एंड लास्ट टाइम हमने स्टडी की थी इट वॉज अराउंड 18th अगस्त, 420 के आसपास स्टॉक काम कर रहा था एंड मार्केट में बिकवाली देखने मिली थी। ये स्टॉक भी सीधी सी बात है, सभी स्टॉक गिरते हैं, तो ये भी गिरा था एंड स्टॉक ने एग्जैक्टली 360 का जो हमने इन्वेस्टमेंट का एक लेवल बताया था 360 एग्जैक्टली वहीं से बाउंस बैक कर दिया। ओके, एंड वो बाउंस बैक करने के बाद स्टॉक की चाल कैसी रही है देखिए। स्टॉक देखिए बढ़िया समय तक एक रेंज में रहा, यहाँ पे एक रेंज में रहा, एक रेंज में रहने के बाद फिर से उछला, एंड उछलने के बाद क्या क्या यहाँ पे देखिए, तकरीबन एक 417 रुपये का हाई लगा दिया, वहाँ से लगातार स्टॉक नीचे ही आ रहा है। अब देखिए मैं एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। सो फॉलिंग ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया, हमें यहाँ पे क्लियरली देखने मिल रहा है आज का सेशन, यानी कि 1st अक्टूबर स्टॉक में हो गया है ब्रेकआउट, एंड स्टॉक जो है इतने सेशन से काम कर रहा था। किस पैटर्न में स्टॉक काम कर रहा था? फॉलिंग वेज पैटर्न में। जी हाँ, फॉलिंग वेज पैटर्न में स्टॉक काम कर रहा था एंड स्टॉक का आज हो गया है ब्रेकआउट। स्टॉक अभी 376-377 के आसपास काम कर रहा है। अब इस रेंज को हमें स्टडी करना है एंड इस रेंज की जो हाईएस्ट क्लोजिंग है वो कौन सी है, वो है ये 23rd सितंबर 381.9। जी हाँ, इस रेंज को हमें समझना है, 381.9 की जो क्लोजिंग है उसको स्टॉक के लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे लेवल्स लिख देता हूँ ऊपर की तरफ, तो अपडेटेड रेंज अभी वो है 381.9, ठीक है, एंड नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस का लेवल है ये, और ये लेवल किसके लिए है, इट इज़ फॉर जो ट्रेडर्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, जो ट्रेडर्स है, ट्रेडर्स कौन होते हैं, जो एक दिन से लेकर मैक्सिमम 5 दिन तक पोजिशन बनाते हैं 360 to 382, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, 382 के आसपास जब जब स्टॉक आएगा तो आपको थोड़ी मुनाफा वसूली देखने मिलेगी, थोड़ी रुकावट देखने मिलेगी, थोड़ी गिरावट देखने मिलेगी, एंड 360 के आसपास जब आएगा स्टॉक तो आपको खरीदारी देखने मिलेगी। सो आप अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से पोजीशन बना सकते हैं। सो ये हो गई ट्रेडर्स की बात। नेक्स्ट, अब 381.9 के ऊपर बंद होना स्टॉक शुरू हो जाता है, सक्सेसफुली क्लोज होना बंद शुरू हो जाता है, क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट मिल जाता है। तो जिस रेंज में स्टॉक आने वाले 1 से 1.5 महीने में बंद हो सकता है वो है 400 एंड 420। इसको आप दो टारगेट मान सकते हो, दो रेजिस्टेंस मान सकते हो, या फिर एक रेंज भी मान सकते हो, बट शर्त यह है 381.9 के ऊपर बंद होना ज़रूरी है, एंड वो बंद होने के 1.5 महीने बाद की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बंद होने के बाद मतलब 1.5 महीने को आपको काउंट करना है, ऐसा नहीं कि जब हम स्टडी कर रहे हैं वहाँ से 1.5 महीने को काउंट करना है, ऐसा नहीं, एंड ये बहुत ही कंजर्वेटिव टाइम फ्रेम मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट, जिनको इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट के लिए अब बस मैं एक ही लेवल बताऊंगा एंड दैट इज 360। जी हाँ, प्रेजेंटली मुझे एक ही लेवल दिखता है, 360 जो है इसका एक रॉक बॉटम मजबूत सपोर्ट बन गया है। बार बार स्टॉक जो इनिशियल डेज भी थे तब आपने देखा होगा 362 से घुमा, यहाँ पे देखिए 29th जून को 362 से घुमा, फिर यहाँ पे 23rd अगस्त जो है 362 से घुमा, फिर यहाँ पर देखिए 29th सितंबर, ठीक है। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने अभी अभी नोटिस किया वो मैं आपको बता दूँ, देखिए 29th जून डेट आप ध्यान से सुनिए पहले, 29th जून जून महीने के एंड में 362 के आसपास सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर भी देखिए 23rd अगस्त अगस्त महीने के एंड में सपोर्ट लिया 362 का, एंड यहाँ पर भी 29th सितंबर मतलब सितंबर के एंड महीने का। सो अगर आप ध्यान से देखें ना, मतलब ऑलमोस्ट मंथ के एंड में 362 के आसपास जा रहा है, फिर वहाँ से फिर से उछल गया है। सो ये एक बढ़िया, सो ये एक पैटर्न है अगर आपने नोटिस किया होगा तो, इस स्टॉक के बारे में आपके सामने अभी अभी मैंने नोटिस किया है और आपके साथ शेयर किया है। सो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से जो स्टडी पेश किया वो स्टडी लगी कैसी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएगा ज़रूर, एंड ज़्यादा स्टडीज से आपको और गो थ्रू करना है तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे साथ वहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, जय हिंद, वंदे मातरम।